जय हिंद, नमस्कार। दिस इज बिक्की मिश्रा। तो क्या आप सब बिहार पुलिस को भूल गए, फॉर्म भर दिए, ये भूल गए कि हाँ एग्जाम भी इसका होने वाला है, ये होगा कि नहीं होगा? अब कैंसिल हुआ, किसके वजह से हुआ, कौन पेपर लीक कराया, कौन कौन इसके दोषी हैं, उनको क्या सजा मिली, सरकार हमारी क्या कर रही है इसमें, स्टूडेंट का क्या गलती है और उन अभिभावक का क्या गलती है जो अपने बच्चों को दिन रात एक करके पढ़ा रहे हैं और जॉब के लिए कहीं ना कहीं उन्हें चाहते हैं कि वो सेलेक्ट हो जाए हमारा बच्चा, कहीं ना कहीं हमारे आने वाले समय के लिए वो हमारा सहारा बन सके। लेकिन क्या सरकार इस पे ध्यान दे रही है, क्या किसान के लिए सरकार कुछ कर रही है, इस सभी बातों पे विधिवत वन बाय वन हम चर्चा करने वाले हैं। तो जरा तह तक जाते हैं और सवाल हमारा सबसे पहले बिहार पुलिस का ही क्यों है, क्योंकि बिहार पुलिस की अगर देखें तो सितंबर में पिछले 2023 में एग्जाम हुआ था जिसमें पेपर लीक की वजह से कैंसिल कर दी गई थी। अब चलिए, पेपर लीक किसने कराया, क्यों कराया, कौन से लोग थे इसमें मास्टर माइंड आदमी जिन्होंने पेपर लीक कराया था, पेपर लीक कराया यहां तक तो सही है, चलिए ठीक है। आप उन्हें क्या किए क्या नहीं किए, क्योंकि वो तो आपके कुछ ना कुछ रिलेटिव ही लगते होंगे, तभी तो सलाखों के पीछे हो भी गए होंगे, तो छूट भी गए होंगे, ये भी चैलेंज है, क्योंकि वो पावरफुल लोग हैं और वो लोग पेपर भी लीक करेंगे और करते रहेंगे, उनका पेशा ही यही है, क्योंकि वो लोग भी किसी ना किसी नेता के छत्र छाया में ही पल बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें स्टूडेंट का क्या गलती है, लेकिन हम प्रूव करने वाले हैं कि स्टूडेंट ही सर्वोसर्वा इसके कसूरवार है। जिसने भी बिहार पुलिस का फॉर्म भरा होगा अप्रोक्सीमेटली 20-20 तो पासे है और उनका वोटर लिस्ट में नाम है, यही सही समय है बदला लेने का। अब आपका बिहार पुलिस में जब सरकार ने रिजल्ट नहीं दिया, फिर से एग्जाम नहीं कराया, अब सरकार के साथ क्या मजबूरियां क्या समस्याएं चल रही है हमें नहीं पता है। हम बस एक ही बात जानते हैं, अगर पेपर कैंसिल हो गया है तो उसे अगले महीना में पेपर ले लेना चाहिए था, नहीं तो बहाली कैंसिल करके पैसा रिटर्न कम से कम विद्यार्थियों के खाते अकाउंट में जरूर दे देना चाहिए था। ये काम सरकार ने नहीं किया, विद्यार्थी आज भी परेशान है। लेकिन सरकार जब आपका ना पैसा दे, एक रुपया देखिए मांग के देख लीजिएगा, कोई आपको कर्जा में नहीं देगा, 5 रुपया देगा तो कर्जा में देगा, तो आप 500-700 रुपया कैसे भूल जाइएगा, ठीक है? तो इसीलिए हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रेंड करना जरूरी है, सोशल मीडिया पर हो सके जहां भी हो एक ट्रेंड बनाइए, और हो सके तो जो नेता आपके पास अभी वोट मांगने, देखिए चुनाव का माहौल आ रहा है, देख लीजिए, जब बरसाती मेंढक समझते हैं ना, तो बरसाती मेंढक भी कब अपने बिल से बाहर निकलता है, जब वो क्या होता है, बारिश होता है। वैसे ही अभी जब चुनाव का बारी आता है तो हर कोई नेता बन के निकलेगा, और सही समय है, बोलिए कि तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हारे साथ जय हिंद जय भारत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, झंडा तुम्हारा ढो लेंगे, लेकिन पहले सिलेक्शन हमारा जरूरी है, क्योंकि हम बेरोजगार है। इसीलिए जब तक वो तुम्हारा चर्चा बड़े असेंबली में ना उठाए, तब तक उनका सुनिए ही मत। और हमको लगता है कि किसी भी चोर चुहार लोगों का, ऐसा कोई भी नेता का नाम बताइए जो इस पे एक शब्द भी बात करने के लिए तैयार हुआ कि सितंबर में एग्जाम हुआ था कैंसिल हो गया, उस पेपर को फिर से कराना है कि नहीं कराना है। जितने भी आपने भाषण सुना उसमें से एक का भी नाम बता दीजिए और वीडियो क्लिप प्लीज मेरे पास भी भेज दीजिएगा कि हाँ एक भी छोटा नेता लोगों ने ये बात कही होगी, एक भी नहीं कहेगा। या फिर जो आपके पास यहाँ पे, क्योंकि हम गांव देहात क्षेत्र से बिलोंग करने वाले आदमी हैं, तो हमको अच्छी तरह मालूम है कि किसान की अभी समस्या क्या चल रही है। और किसान की सबसे बड़ी समस्या जानते हैं अभी क्या चल रही है, किसान की सबसे बड़ी अभी देखिए क्या है कि चुनाव में लोग वोट वोट मांगने आएंगे, तो किसान की सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि किसान उगाएगा तो देश खाएगा, ये सब जानते हैं, लेकिन किसान के लिए सरकार क्या कर रही है इस पर जानना जरूरी है। खेतों में पैदावार लगा तो रहे हैं लेकिन गोलपरास नील गाय समझते हैं ना, वो सारा का सारा फसल बर्बाद कर रही है। तो इन्हें पकड़ के जो जो चिड़ियाघर में बनाया गया है उनमें भेजिए ना, पहले भेज दीजिए, नहीं भेज सकते हैं तो प्लीज वोट मांगने मत आइए। और यही आपका मुद्दा होना चाहिए, एक ही एजेंडा, किसान भाई लोग, आप अगर चाहते हैं कि आपके हक में कुछ हो तो पहले उनसे बोलिए कि नीलगाय या ये जो चिंपेजी बांदर जो आपका फसल नुकसान कर रहा है, ये सुअर जो आपके फसल नुकसान कर रहे हैं, इन्हें पकड़ के तत्काल क्या कर दिया जाए, चिड़ियाघर में ले जाकर छोड़ दिया जाए, या जंगलों में, बड़े बड़े जंगलों में, क्योंकि जीव हत्या तो सही नहीं है, इन्हें कम से कम पकड़ के बाहर कर दिया जाए, क्योंकि आपके फसल को सिर्फ ना कि बर्बाद कर रहे हैं बल्कि आपके सपनों को भी ये चूर चूर कर रहे हैं। आप उगा तो रहे फसल बड़ी उम्मीद और हौसला के साथ, लेकिन क्या आपके मुताबिक आप दिनों रात एक करते हैं, लेकिन पल भर में इधर नजर झपके कि आपके पूरे फसल को चौपट कर दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर जगना है तो वोट का एक ही मुद्दा होना चाहिए कि जब तक नीलगाय को बाहर नहीं कीजिएगा वोट नहीं देंगे, साफ सुथरा बात समझ लीजिए। अगर आपको चाहिए वोट देना है तो एक ही एजेंडा होना चाहिए। स्टूडेंट वर्ग आप भी सुन लीजिए, जब तक आपके हित में सरकार कदम नहीं उठा रही है तब तक प्लीज जाति धर्म मजहब से हट के अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। अगर नहीं सीखिएगा तो जाति का झंडा ढोते रहिए कि क्या है कि हमारा जाति का, इसीलिए हम इनको वोट देंगे, ये हमारा बिरादरी का है इसीलिए हम इनको वोट देंगे। जो भी नेता हो,
अब ये मत समझिएगा कि तत्काल सरकार में कौन है, सरकार में जब थी तब आपने क्या किया ये भी देखना जरूरी है। अभी नहीं है तो ठीक है फलाना दूसरे आदमी पे ठीक फोड़ दीजिएगा, बात सही है, लेकिन जब आप सरकार में थे तो आपने क्या कर लिया, आपने सरकार में जब था तब आपने क्या कर लिया। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो है राज्य सरकार का मैटर है, ये केंद्र सरकार का मैटर नहीं है। लेकिन चुनाव अभी राज्य सरकार के नेता लोग भी तो आ रहे हैं, टोपी पहन पहन के राज्य सरकार के नेता लोग भी आ रहे हैं, इसीलिए ये भी नेता लोग आए ना तो बोलिए कि आपके पास उतना वन विभाग से भी प्रमाण पत्र है और राज्य सरकार में जो बोर्ड अरेंज किया है वहां पर भी आपका पकड़ है। लेकिन क्या आपने क्या किया है विद्यार्थियों के लिए, किसान वर्ग के लिए? अगर किए हैं तो हम आपके साथ हैं, नहीं है तो जय हिंद जय भारत, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। क्योंकि क्या है कि सरकार अंधी बहरी गंगी सब हो चुकी है, बस आपको बरगलाएगा भुलवाएगा, ये है वो है दिस है दैट है, मतलब तरह तरह के प्रलोभन आपको दिया जाएगा, लेकिन सच्चाई जमीनी स्तर पे क्या है ये तो दिखाई नहीं देता है। तो किसान भाई अगर आप चाहते हैं कि आपके हित में कुछ हो तो बस मुद्दा आपका एक ही होना चाहिए, जंगली जानवर को हटा दो यहाँ से, जंगली जानवर को हटा दो। और ये जो बिजली बिल है ये कम से कम खेत पटाने के लिए ये फ्री कर दिया जाए, एजेंडा एक ही होना चाहिए कि बिजली बिल ना लगना चाहिए जो खेत में, और हर खेत में जहां भी बोरिंग हलाई गई है वहां पे पुल पहुंचा दीजिए। जब हर गांव गांव में आपका पुल पहुंच चुका है तो जहां भी है वहां पे कम से कम ये से पहुंचा दीजिए और ये फ्री कर दीजिए, ठीक है। इसी लेवल पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई लेवल का सोच रखें, जाति गोतिया से प्लीज बाहर निकल जाइए आप लोग, क्योंकि ये हमको लगता है कि ये विकास के लिए ना तो खुद के व्यक्तिगत विकास के लिए है और ना ही आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, ना ही आपके बच्चों के लिए है और ना ही किसी के लिए भी ये उचित नहीं है। जाति धर्म में पड़े हुए हैं, बस यही है कि हमारे जाति गोतिया के हैं इसीलिए हम इन्हें सेलेक्ट कर रहे हैं, इन्हें चुन रहे हैं। क्या किए आप इतना दिन सरकार में थे तब क्या कर लिए थे कि अब वो प्याज वा छिल लीजिएगा, जब पहले कुछ नहीं किए तो अभी भी नहीं कुछ कर पाइएगा। इसीलिए बदलाव जरूरी है, बदला नहीं बदलाव जरूरी है, क्योंकि सोच हमारी क्या होना चाहिए, बदलाव पे होना चाहिए, ना कि बदला पे होना चाहिए कि हमारे जाति धर्म को उसने हरा दिया था तो उसके जाति धर्म वाले लोगों को हम हरा देंगे। योग्य आदमी ढूंढिए जो आपके हिसाब का जो आपके हक का बात करता हो उन्हें ढूंढिए, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगा तो बोलिए हम भी एमपी का एमएलए का सीट लड़ने के लिए तैयार है। मजाक लगा ना, ऐसा ही शौक आपको भी देना है, बोलिए जो आ रहा है कि क्या आप नेता बन सकते, तो हम नहीं बन सकते, हमें आप वोट दीजिए, हम चलिए हम निर्दलीय से खड़ा हो जा रहे हैं, एक ही बात होना चाहिए। आप नेता बन सकते, आप में योग्यता है, तो क्या हम क्या है कि नहीं है, हम भी भारतीय है और नेता बनने के लिए क्या चाहिए, भारतीय होना जरूरी होना चाहिए, पढ़े लिखे होंगे नहीं जरूरी है, ना 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 अंगूठा ठेलो ये नेता बन जाइए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ भी बन जाइए, ये भारतीय संविधान लिखा गया है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं, ये मैटर नहीं करता है, बस भारतीय है आप नेता बन सकते। तो बोलिए कि जब आप वोट 420 कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हमें आप वोट दीजिए, आपका ये करेंगे वो करेंगे, हम भी 1 करोड़ नौकरी लाएंगे, ये करेंगे, आपके घर में शौचालय फिट करा देंगे, घर बनवा देंगे या हॉस्पिटल बनवा देंगे या स्कूल बनवा देंगे, हर चीज आपके प्रलोभन दीजिए, फेंकना ही है ना, लंबा लंबा फेंक दीजिए, आप भी क्या दिक्कत है, आप बन सकते हैं हम क्यों नहीं बन सकते हैं, भाषण देने आप ही को आता है, हम भी इसमें वेल ट्रेंड है। जय हिंद, समझ में आया तो ठीक है, ना समझ में आए तो अब जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक एक शब्दों पे गहराई था। और जो हम बोलते हैं ना इधर से दिल से बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि दिमाग से ऐसे कुछ भी जो मन में आए सो बोलते हैं, नहीं, सोच समझ के पहले तोलते फिर बोलते हैं, ठीक है। जय हिंद।